Bravo. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी को अच्छे होंगे। तो बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद और प्यार। और आज मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। दोपहर से खाना पीना हो चुका है और अभी सिर्फ आराम का टाइम है। प्रीशा मस्ती कर रही है क्योंकि प्रीशा ऑल टाइम मस्ती करती रहती है। और मेरे हस्बैंड तोड़ना चाहते हैं प्रीशा का गुल्लक, क्योंकि प्रीशा की नई गुल्लक आ गई है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये प्रीशा की नई गुल्लक है। ये है प्रीशा की नई गुल्लक, तो वो तोड़ना चाहते हैं पुरानी गुल्लक। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मेरे हस्बैंड गुल्लक को तोड़ते हैं और कितने पैसे उसमें से निकलेंगे, क्योंकि बहुत टाइम से उस पर पैसा जमा हो रहा है। और प्रीशा जब से जन्मी है, मतलब जब से उसका बर्थ हुआ है, तब से उस पर पैसे जमा हो रहे हैं। जब वो जन्मी थी तब मेरे पूरे परिवार वाले आए थे, तो सारे लोग उस पर पैसे डालते रहते थे। और फिर वो मामा की शादी में गई तो वहाँ पर भी उसे बहुत सारे पैसे मिले। उसके बाद फिर मम्मी हर महीने उसमें 500 डालती रहती है, मतलब मेरी मदर इन लॉ। तो पता नहीं कितने पैसे जमा हुए हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि कितने पैसे जमा हुए हैं और मेरे हस्बैंड किस तरह से गुल्लक तोड़ रहे हैं। बाबू उसका पैसा एक भी चलाएगा ना, मैं बताऊंगी। उसमें ज्यादा जमा है, मैंने नहीं बोला, आपने बोला। कहाँ ज्यादा जमा उसमें, 10,000 होगा। तो इन्होंने प्रीशा का गुल्लक तोड़ दिया है और इसमें से निकले हैं इतने सारे पैसे। ये है प्रीशा के पैसे, बहुत सारे पैसे हो गए प्रीशा के। तो इसे हमने ऑलरेडी काउंट कर लिया है। तो ये है 24,070 रुपीज़। और ये 10 रुपये के नोट भी है, मैं इसमें छोटे नोट डालती नहीं हूँ, पर ये 10 रुपये के नोट भी मैं डाल देती हूँ, क्योंकि ये बड़े लोग आशीर्वाद के तौर पर प्रीशा को देते हैं। तो इसे भी मैं डाल देती हूँ। कहते हैं कि जो भी बड़े लोग देते हैं उससे बरकत होती है और लाभ होता है, तो इसलिए मैं ये भी डाल देती हूँ प्रीशा के गुल्लक में। तो इन पैसों को मैं खर्च नहीं करूँगी, इन पैसों को मैं FD कर दूँगी, प्रीशा के नाम पर रख दूँगी और किसी अच्छी जगह में खर्च करूँगी या फिर प्रीशा के लिए रख दूँगी। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि बेबी को बहुत सारे पैसे मिलते हैं और पैसे जो है वो इधर उधर खर्च हो जाते हैं। तो अगर आप उसे गुल्लक में जमा कर देंगे तो बहुत सारे पैसे बन जाएंगे और उसे आप अच्छी जगह पर खर्च कर सकते हैं। तो अब प्रीशा का नया गुल्लक आ गया है, ये वाला प्यारा सा गुल्लक, ये वाला गुल्लक प्रीशा का आ गया है नया गुल्लक। तो अब इस पे पैसा जमा होंगे और इसमें कितने जमा होते हैं। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दे, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दे, और मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और मेरे ब्लॉग के साथ यूं ही बने रहे। रुको, दादू को बुलाती हूँ, रुको प्रीशा के दादू को बुलाती हूँ। देखो इसने 3 टहनी तोड़ दी, और देखो वहाँ छप गया उसका पेड़ तोड़ दे। ये ना खड़े होके ना ये तोड़ना चाहती है, मार दे देखो, उसकी कलम लगा दे, निकाल दे इसकी, टूटी ना लग जाएगी। तो मम्मी ने ऐसे ही करके लगाई है ये, हाँ ना कहा उसको ऐसे करने दे। तोड़ डाली सब, पूरा तोड़ ही दियो सब, लफा लफा दे धार के हैं। बजाई मारे, हाँ बजाई। चार टहरी तोड़ दी। तुम लोग देख, तुम लोग क्या देख रहे हो? हम लोग देख रहे हैं, मजे ले रहे हैं। वो और एक तोड़ दे, तोड़ दे इतना सारा। वो आंटी ले दो, बजू ले दो, बजू ले दो, बजू ले दो, दी दो, बजू ले दो। पूरा खेत हवाल कर दे भाई, उठो छीत, इसका हाथ दे। ऐसे खेलेंगे भागेंगे, ये ऐसे ही इसको पसंद है। आजकल चलती है ना थोड़ा थोड़ा, तो बोलती जमीन में ही छोड़ दे। तो मैं यहाँ मलाई से घी निकाल रही हूँ। महीने में एक या दो बार तो घी निकल ही जाते हैं। जैसे कि हम डेली दूध उबालते हैं तो उसमें मलाई जम जाते हैं, तो उन मलाई को जमा करके एक अलग से बर्तन में रखें और महीने में एक या दो बार उसमें से घी निकाल लें और घर का बना हुआ घी खाएं। तो मैंने यहाँ जितने भी मलाई जमे हुए थे उन्हें निकाल लिया है, रूम टेम्परेचर में आने तक वेट किया है।
और उसे अब मैं फेंट रही हूँ, और उतनी देर तक फेंटना है जब तक कि मक्खन अलग ना हो जाए। तो यहाँ मक्खन अलग हो गया था तो मैंने उसमें पानी डाल दिया ताकि और अच्छे से मक्खन अलग हो जाए। और यहाँ पे जिस तरह आप देख रहे हैं कि मक्खन अलग होने लगी है, तो तब तक आप फेंटते रहे जब तक कि पूरी तरह से मक्खन जो है अलग ना हो जाए। तो यहाँ आप जैसे देख रहे हैं कि मक्खन एकदम ही अलग हो गई है, तो सारे मक्खनों को निकाल कर मैं कढ़ाई में रख रही हूँ, और जितने भी पानी है सब निकाल ले। और ये जो पानी है इसे मट्ठा कहते हैं, और इस मट्ठे को आप किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप इससे कढ़ी बना सकते हैं या अप्पे बनाने में यूज़ कर सकते हैं एज अ दही। और पहले आप जब भी मलाई जमा करें तो फिर आप दही मिला ले ताकि वो मट्ठा का रूप ले ले, क्योंकि अगर आप उसमें दही नहीं मिलाएंगे तो वो फिर कड़वी हो जाती है, और दही मिलाने से वो कड़वी नहीं रहती है, वो मट्ठा बन जाती है। तो सारे मक्खन को मैंने अलग से निकाल लिया है, और अब मैं इन्हें लो फ्लेम पर गैस पर चढ़ा दे रही हूँ। तो गैस पर तब तक उबाले जब तक कि ये ब्राउन ना हो जाए, ब्राउन होने के बाद ही ये घी बन जाते हैं। तो घी बनकर रेडी हो चुकी है, और मैं दिखाती हूँ आपको कि घी किस तरह की बनी है। तो ये है घी, तो ये घी बनकर रेडी हो चुकी है, और ये दो बर्नी है। ये बर्नी जो है हमने ऑनलाइन मंगाया है, तो एक बर्नी में ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले हैं घी, ये वाली बर्नी में। और अब मैं जो घी इस बर्नी में डाल देती हूँ। तो ठंडी का सीज़न चल रहा है इसलिए घी जल्दी ही जम जाती है, तो इसके जमने से पहले मैं इसे बर्नी में डाल देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो मेरे ब्लॉग के साथ यहीं बने रहें। मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि इस केन में भी घी है। ये है घी, ये भी घर की बनी हुई घी है, और घर की बनी हुई घी अच्छी भी रहती है क्योंकि वो प्योर रहती है। तो आप लोग भी घर की बनी हुई घी बनाएं और खाएं और हेल्दी रहें। तो ये यहाँ इतनी घी निकल चुकी है, और अभी भी घी निकल रही है। तो ये जो है इसे भी बहुत सारे लोग चीनी मिलाकर खाते हैं, अच्छी भी लगती है ये खाने में। यहाँ ज़्यादा मीठा नहीं खाते इसलिए हम नहीं खाते हैं। तो देखिए कितनी फुली फुली फुल्की बनी हुई है। ये मार्केट का है पर हमने घर में फ्राई किया है, और यहाँ मैंने सारी भाजियाँ बॉईल करके रख दी है। इसमें है सरसों साग, बथवा साग और पालक साग, और इसके साथ मैंने बॉईल किया है टमाटर, लहसुन, प्याज और मिर्च। इसके पीस कर थिक ग्रेवी बना लूँ। यहाँ मैंने डाला घर का बना हुआ घी, घी पिघल गई है। इसके बाद मैंने डाला हींग और जीरा।
तो ये इसमें मैंने सारी भाजियों का पेस्ट बना के डाल दिया है और बस अभी इसे पकना है और ये रेडी हो जाएगी, उसके बाद फिर हम खाएंगे। तो ये मैंने मक्के के आटे को गूंद लिया है, ये इस तरह से होता है। अब इसका मैं रोटी बनाऊंगी। ये बन गई मेरी मक्के दी रोटी। ये दूसरी, और ये बन रही है दूसरी, जो कि मेरे बूढ़े ने बनाया है, मेरे पति देव ने। तो खाना बन चुका है और अब हम खाएंगे खाना। तो मैं वीडियो यहीं एंड करती हूँ, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करते, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करते, और मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और मेरे बहुत सारे वीडियोज़ में ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट आ चुके हैं, अगर आप मेरे पुराने वीडियोज़ देख रहे हैं तो एडवर्टाइजमेंट को प्लीज़ स्किप ना करें, पूरा देखें और मुझे सपोर्ट करें। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।